चैनल ऑफ योर सिमरन आयस। सो आज गाइस हम लोग एक टॉपिक लेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। सो गाइस हम लोगों को, जब हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, सो यूपीएससी में हम लोगों को जब आंसर राइटिंग करते हैं, हम लोगों को स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि आप डायग्राम्स मेंशन कीजिए, बिकॉज दैट्स गिव एन एडेड एडवांटेज टू योर आंसर, राइट। तो जब हम लोग आंसर लिख रहे हैं, वी नो देयर इज़ अ फाइट बिटवीन योर क्वालिटी एंड योर क्वांटिटी। वहाँ पे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा होता है और आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी भी देनी है। उस टाइम पे हमें डायग्राम्स बहुत एक हेक्टिक चीज़ लगती है कि हम लोग कैसे बनाएं। ऐसा है कि जब हम लोग मैप ऑफ इंडिया ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए वो चीज़ कि आपको खुद ब खुद, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या आप फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, जब आपको थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेक चाहिए, आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आप एक शीट के ऊपर बहुत मल्टीपल मैप्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया का अगर आप मैप की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी जैसे बताया हुआ आप लोगों को कि जब भी आप कोई आंसर के अंदर कोई एजेंडा बताने वाले हैं, अगर जेएन के बारे में बताने वाले हैं, तो उसका मैप डेफिनेटली आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिकली ठीक बता सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर जेएन के, ठीक है, हम लोगों का जो जेएन के है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर जेएन के, ठीक है। जेएन के में भी अब आप लोगों को पता है स्पेसिफिकली आपका जो लद्दाख पोर्शन है, दैट हैज़ बिन डिवाइडेड, तो कुछ कुछ इस तरीके से हम लोगों का लद्दाख पोर्शन जाता है, ठीक है। वही चीज़ की मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नहीं है एम्फेसिस डालने हैं, ठीक है, तो यू कैन सिंपली ऑल्सो ड्रॉ दिस। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर मैप, राइट। एंड जब आप इंडिया का मैप बना रहे हैं स्पेसिफिकली, आई विल टेक योर ब्रॉड मार्कर, सो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। जब आप नीचे आ रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड दिखाना ज़रूरी है हम लोगों का। उसके बाद हमारा नेपाल रीजन आ जाता है, तो थोड़ा सा कुछ इस तरह से सिमेट्री चलती है। देन अस आपका सिक्किम रीजन आता है। सिक्किम के बाद हम लोगों का जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है। यू कैन स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपका जो है टिल्ट होता है यहाँ से, एंड यहाँ पे हमारा मिजोरम एंड त्रिपुरा आ जाता है। यहाँ से जाते हुए मेघालय इज समवेयर फ्लैट, एंड बहुत छोटा सा ये पोर्शन आता है, दिस इज़ योर चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप इसको सिंबलाइज कर सकते हो, राइट। फिर हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आता है गाइज, और आप नीचे से इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, राइट। आपको वही प्रोपोर्शन आपको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। चीज़ें आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, राजस्थान वाला एरिया बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से पॉइंटेड आउट है, देन योर गुजरात रीजन। आप जितनी बारी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को, उतनी बार आप मल्टीपल जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब अगर आपने शॉर्टकट में बनाना है इसको, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं, राइट। तो जितनी बार आप इसको रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 3 to 4 seconds के अंदर इजिली ये मैप ड्रॉ कर सको, राइट। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट बनाना है, यहाँ से आपको पतला करना है, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, राइट। देन एज योर जेन के बनाते हुए आप राजस्थान का रीजन बनाते हुए गुजरात बनाइए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट गाइज। ज़्यादा कोई आपको इसमें ये नहीं है कि परफेक्शनिस्ट आना चाहिए या फिर कुछ भी। आप किसी भी तरीके से इसको जो है, आप चाहे आप इनिशियली अगर आप इसको बना रहे हैं, तो आप एक प्रिंट आउट लेके छोटे मैप को, राइट, आप उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर सकते हैं बार बार, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एट गाइज। हम लोगों को ज़्यादा कोई स्पेसिफिकली यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, वी कैन नॉट बी एक्सपर्ट ओवर देयर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ इट। बहुत सिंपल, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल अगर ड्रॉ करना है, तो दिस इज़ द वे यू कैन मेक द जे एन के, देन इज़ योर दिस गुजरात। आप जितनी बार आप इसको बनाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंफर्टेबल, यू विल फील कंफर्टेबल एवरी टाइम यू विल ड्रॉ द मैप, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो गाइज हम लोग आपकी वर्ल्ड के ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।